राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। मेरे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, 11:15 बजे तक बच्चे घर आ जाते हैं, तो ऐसे में बच्चों को ना तो लंच चाहिए ना ब्रेकफास्ट, तो मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ हर दिन जिसे वो खाएं, उन्हें टेस्टी भी लगे और मुझे भी बनाने में कम मेहनत हो और हर दिन बच्चों को कुछ नया खाने को मिले। तो आज मैंने जो बनाया उसे आप एक बार बनाना। आप जिसे सुपर बच्चों को बहुत बहुत पसंद आता है, आप एक बार इसे बनाएंगे ना तो आप खुद बोलेंगे कि नेहा मजा आ गया। मैंने इसमें आलू डाला है, आप इसमें खूब सारी सब्जियां कद्दूकस करके डाले, गाजर, लौकी, बीन्स डाल सकते हैं और जो फ्रोजन कॉर्न होते हैं, फ्रेश कॉर्न जैसे आजकल मिलते हैं, उन्हें क्रश करके डाल सकते हैं, पेस्ट बना के डाल सकते हैं, शानदार स्वाद आएगा। तो बस वैभव को मैंने दे दिया, दोनों बच्चे ऑन द वे हैं, आने ही वाले हैं, तो फटाफट उनको भी दे देती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, नहीं पसंद आता तो एज यूजुअल डिसलाइक कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले लूंगी मैं वो वाला पोहा जो मेरा वैभव खरीद के लाया था, क्योंकि इसका कोई और यूज़ नहीं है, या तो नमकीन बनती है इससे या फिर इस तरह की रेसिपीज़। तो मैं इसे आजकल इस ऐसी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर रही हूँ। पतला पोहा 2 बार धोना है, 1 कप, 1 कप डाल देनी है इसमें सूजी और एक बड़े साइज़ का आलू लेकर इसे कद्दूकस कर लें। आप चाहे तो यहाँ पर गाजर, पनीर या फिर लौकी, ये सारी सब्जियाँ भी कद्दूकस कर सकते हैं। उसके बाद इसमें 1 कप डालेंगे दही और सारी चीज़ों को कर देंगे अच्छे से मिक्स। फटाफट वाली रेसिपी है, इवन अगर आप बच्चे के टिफिन में देना चाहें, हस्बैंड को कुछ अलग खिलाना चाहें तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद खूब सारा धनिया, करी पत्ता काट के साबुत डालें, चिली फ्लेक्स डालें, जीरा डालें, नमक डालें, काली मिर्च फ्रेश कुटी हुई डालिएगा, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। थोड़ा दानेदार मोटी मोटी सी होती है ना, अच्छा स्वाद आता है। 2 चम्मच भर के नारियल का पाउडर या फिर फ्रेश नारियल जो होता है कद्दूकस करके वो डालें, 1 चम्मच भर के तिल डालें और अच्छे से इस तरीके से मिला लें। तो थोड़ा सा ड्राई लग रहा था मुझे ये, तो मैंने 1/4 कप पानी डाला। बैटर कैसा बनाना है ये देखिए, बिल्कुल ऐसा। अगर आप इसे फैलाना चाहें तो ये तवे पे अच्छे से फैल जाए, ऐसा बैटर बना लें और इसे 10 मिनट रेस्ट करा दें। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि अच्छे से फूल चुका होगा, जो सूजी थी ना उसे फूलने के लिए 10 मिनट का टाइम हमने इसे दिया है और 10 मिनट में एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो गया है। आप इसमें जितनी भी सब्जियां डालना चाहे सारी ऐड करके बना सकते हैं, प्रोसेस विल बी सेम। इतनी शानदार सरल टेस्टी रेसिपी है ये, खासकर बच्चों को बहुत पसंद आती है, आपको भी कोई खास एफर्ट इसमें नहीं लगाना है। तो जब बच्चे रेगुलरली रोटी सब्जी खाकर बोर हो जाएं और आपको शिकायत करने लगे कि मम्मा कुछ अलग सा बनाओ जो फटाफट बन जाए, उस टाइम पर आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही शानदार है, बहुत ही सरल है और खास बात ये है कि आपकी रसोई में रखे सामान से बनता है और बनाने का तरीका तो आपको बहुत इंप्रेसिव लगने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आज ये नाश्ता मैं कैसे बनाने वाली हूँ। बच्चों का जैसे अभी एग्जाम्स चल रहे हैं तो उनका हाफ डे होता है, सुबह वो बच्चे जो है थोड़े मोटे मखाने वगैरह खाते जाते हैं, फ्रूट्स कुछ कभी खाते नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि उनको एसिड टाइप हो जाता है, लाइक एसिडिटी हो जाता है फ्रूट्स से, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पे। तो वो ड्राई मखाना हुआ या कोई कुकीज हुआ तो वो खाके जाते हैं। तो इस टाइम पर जब वो आएंगे तो ना तो ये लंच का समय है ना ये ब्रेकफास्ट का समय है, तो बीच वाला टाइम रहता है। तो मैं बनाती हूँ कुछ बढ़िया हेल्दी सा, खूब सारी सब्जियां डालकर। पर चूंकि आज मेरे पास सब्जी नहीं था कोई भी, मैं जाऊंगी नीचे, यहाँ पे बारिश हो रखी थी बहुत ज्यादा, तो आज वेदर ठीक है, बहुत धूप है अभी, तो बहुत धूप है, तो मैं जाऊंगी नीचे रिलायंस में और सब्जी लेकर आऊंगी, उसके बाद कुछ सब्जी रोटी बनाएंगे। फिलहाल मैंने ये कच्चे आलू के साथ बहुत ही बढ़िया सा एक बैटर बनाया है, इससे हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनाएंगे जिसे आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कभी भी खा सकते हो। तो बस अभी अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें और कुछ भी नहीं डालना है, इतना ही सामान इसमें मैंने डाला है। अब एक तवा अच्छे से गरम कर लेंगे, आप इसके लिए नॉनस्टिक तवा, रेगुलर तवा दोनों ले सकते हैं। रेगुलर जो रोटी बनाने वाला तवा होता है उसे अच्छे से फुल फ्लेम पर गरम करके थोड़ा सा तेल डालें और अच्छे से ग्रीसिंग कर दीजिएगा। 2 बूंद तेल डालकर ना फुल फ्लेम पर ग्रीस करना उसे, और 2 मिनट के बाद तवे पे से वो सारा तेल जो आपने डाला था उसको पोंछ देना है और वापस से 2 ड्रॉप तेल डालकर वापस से उसको फुल फ्लेम पर गर्म करना है। उससे आपके तवे की सीजनिंग हो जाएगी और वो तेल वाइप आउट कर देना है, और उसके बाद इस तरीके से बैटर को फैलाना है। अब चूंकि ये जो बैटर है ना तो पतला है ना गाढ़ा है, तो ये चमचे से नहीं फैल रहा है। अगर आप इसे चमचे से फैलाना चाहते हैं तो आपको चमचे की बैक साइड को गीला करना होगा, यानी कि किसी कटोरी में, किसी पानी वाली कटोरी में डिप करके आपको ये बैटर फैलाना है। और सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे मेरी मम्मी बनाती है हाथों से, या फिर जो स्वीट कॉर्न यानी ये जो कुकड़ी होती है ना, जो भुट्टा होता है, भुट्टे को जब हम यूज़ कर लेते हैं, भुट्टे के दाने निकालने के बाद जो पार्ट बचता है ना, हमारे यहाँ से गुल्ली कहते हैं, उससे इसे अच्छे से फैला दें। वो एक ट्रेडिशनल तरीका होता है इस तरह के बैटर को फैलाने का, आप उससे फैला सकते हैं।
मैंने इजी वे में हाथ से फैला दिया, लेकिन आपको हाथों को पानी से गीला करना होगा। अगर आप किसी चम्मच से फैलाना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स फैला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस चम्मच को आपको गीला करना पड़ेगा बैक साइड से, और एकदम धीमी आंच पर स्लो फ्लेम पर आप इसे बनाना। इसे ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा और पकने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आप पतला पतला बैटर फैलाएं। देखिए मैं जैसे फैला रही हूँ तब इससे ना चमचे से तो चिपक रहा है ये, तो हाथों को गीला करके इस तरीके से फैला दें, और जैसे मैं अभी चमचे से फैलाऊंगी तो बहुत ईजी तरीका है, चमचे से भी ईजिली फैल जाएगा। बस पानी वाली कटोरी में डिप करके इस तरीके से फैला देना है, इवनली स्प्रेड करिएगा, मेक श्योर कि ज़्यादा मोटा ना हो ये, अदरवाइज इसे पकने में समय लगेगा, बन तो जाएगा कच्चा नहीं रहेगा, लेकिन ये काफ़ी सारा समय ले लेगा। जैसे हमारे पास सुबह मॉर्निंग में समय नहीं होता, इसलिए उस समय को बचाने के लिए इसे पतला पतला और छोटा छोटा बनाएं। और ये देखिए कितना शानदार कलर आ गया है इसका, बहुत ही बढ़िया लाल लाल सा ये सिक जाता है, ढककर सेकेंगे तो और भी जल्दी पक जाएगा ये। और इसे सर्व किया था मैंने, जैसे वैभव आ गया था तो मैंने इसे सर्व किया दही के साथ, थोड़ी सी मेरी होममेड चटनी के साथ। आप इसके साथ दही सर्व करना, ऐसे तो कुछ भी सर्व कर सकते हैं, कोई भी चटनी, लेकिन पर्सनली बता रही हूँ दही के साथ आप इसे खाना, आपका ऑल टाइम फेवरेट होगा ये। ये जो चटनी थी ना ये तो ऐसे ही रखी रही, किसी ने नहीं खाया, सबने दही के साथ इंजॉय किया था इसे। बहुत ही बढ़िया हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है। आप इस नाश्ते को क्या नाम देंगे कॉमेंट करके बताना, मेरे बच्चों को ये इतना पसंद आया, बहुत ही बढ़िया। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे पूरी प्लेट ख़त्म करते हैं, खुश होकर खाते हैं। बच्चे ना हर दिन आप रोटी सब्जी बनाओगे तो मुंह बनाते ही हैं। और इस दही में मैंने डाला है चाट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, भुना जीरा और थोड़ा सा काला नमक, एंड लुक एट द नाश्ता, कितना सॉफ्ट है ये। और आलू की वजह से ना जो आउटर लेयर होती है इसकी, इसे शुद्ध घी में सेकना, बिल्कुल भी इस पे तेल वगैरह मत डालना। बच्चों के लिए बनाते हैं तो शुद्ध घी का इस्तेमाल करिएगा, और जो उसके किनारे होते हैं ना जब वो शुद्ध घी में सिकते हैं इतने क्रिस्पी, इतने टेस्टी बनते हैं वो। जो कच्चा आलू हमने इसमें कद्दूकस करके डाला है उसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो बस यहाँ पर हमारा नाश्ता ये फटाफट बनकर तैयार है, दोनों बच्चे भी आ गए हैं, अब मैं उनके लिए बना रही हूँ। मैंने गर्मा गर्म बनाया, आप इसे बना के रख सकते हैं, जब बच्चे आए तो इसे दोबारा गर्म करके दे सकते हैं, लेकिन फ्रेश बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। जब तक बच्चे कपड़े वगैरह चेंज करेंगे तब तक ये नाश्ता तैयार हो जाएगा। आप इसे लंच डिनर में कभी भी खा सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ट्राई करिएगा ये रेसिपी, अगर वीडियो आपको पसंद आती है, कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। ये देखिए कितना मज़ेदार बना है ये, और जैसे कि मैंने कहा इसमें खूब सारी सब्जियां डालकर आप बनाएंगे तो ये और हेल्दी टेस्टी बनेगा। हेल्दी तो ये काफ़ी अभी भी है, पर जैसे कि मैंने इसमें घी डाला है, अगर आप इसे बिना घी के बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं, कोई घी तेल की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वेट रिड्यूस जर्नी पर है तो ये रेसिपी आप ही के लिए है, उस केस में आपको इसमें घी नहीं डालना है। और आप इसमें ना थोड़ी सी मूंगफली का पाउडर, मूंगफली होती है ना उसको भूनकर उसका पाउडर बनाकर वो भी इस बैटर में मिला सकते हैं दानेदार, बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। ट्राई करिएगा रेसिपी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए।